अच्छा नहीं, चीज़ था, खतरनाक चीज़। आज ये पकड़ने का फिराक में था लेकिन पकड़ नहीं पाया मेरे को। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आया था रॉयल एनफील्ड शोरूम और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ करके। और एक बहुत ही मस्त बात बताऊँ तो यहाँ ये है, मैं हेलमेट यूज़ कर रहा था जिससे मेरे हेलमेट का वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक कर रहा हूँ ना, ये इतना हंस रही है क्या बात है, मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। अच्छा नहीं कर रही तो हम भी मजाक उड़ाएंगे फिर तुम्हारा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो की स्टोरी बहुत ही मस्त होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ और प्लस अभी मैं वो सपने से नहीं निकल पा रहा हूँ जिस दिन मैं JS फिल्म से मिला था। सच में अभी तक कुछ दिमाग में है और फुटेज सारे देख रहा हूँ, वीडियोज़ देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने बड़े यूट्यूबर से मिलने का सपना मेरा पूरा हो गया जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि JS सर ने मेरे को दिया था अपना स्टिकर, वो मैंने अपने बाइक के टैंक पर चिपकाया था और वहाँ पे वो सिग्नेचर किए लिखे कीप ग्रोइंग और JS फिल्म लिखे हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस वो मेरे बाइक पे बैठे और मेरे बाइक के वैल्यू बढ़ा दिए वो। तो फ्रेंड्स एक दो चीज़ को लेकर के मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, फाइनली वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है। तो वो चीज़ मैं दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं, तो चलिए दिखाते हैं। इसका हाथ में बैठ गया। तो फ्रेंड्स फाइनली आज हिबा आ चुकी है। हिबा बोलो कुछ। बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जो मेरा तो फ्रेंड जो मेरा शताब्दी पार्क वाला वीडियो था वो वीडियो अच्छा खासा व्यूज जा रहा है। उस पर हिबा मेरे साथ में, मेरी भांजी और हाथी से डर गई थी उस वीडियो में, तो वो चीज़ बता रही है ये। तो वो वीडियो पे बहुत लोगों का कमेंट है, भाई अपनी वीडियो में हिबा को क्यों नहीं लाते हैं, अपनी भांजी को क्यों नहीं लाते। तो आज फाइनली हिबा आई इस वीडियो में और बहुत नौटंकी है इसका वीडियो में, जल्दी आना नहीं चाहती है ये। और ये माइक को मैं हाथ में नहीं पकड़ता हूँ, इसके कॉलर में लगा देता हूँ। लगा दें यहाँ, तो इसका यहाँ पे लगा दिया ताकि मेरा ये वॉइस रिकॉर्ड हो। छूना नहीं उसको, छूना नहीं। मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक कर रहा हूँ ना, ये इतना हंस रही है कि क्या बात है, मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। अच्छा नहीं कर रही तो हम भी मजाक उड़ाएंगे फिर तुम्हारा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा हेलमेट और ये हेलमेट में हो ये रहा था कि मेरा आवाज़ एक ज़रा भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स मेरे जो रानीगंज वाला जो वीडियो बनाया था उस वीडियो से मेरा कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था मेरे ये हेलमेट GoPro सेटअप से। तो मेरे को लगा या तो मेरा माइक अडेप्टर खराब हो गया जिसका दाम 4,500 रुपये है, या तो फिर मेरा माइक खराब हो गया। और इसका माइक मैं यूज़ कर रहा था बोया BY-M1 जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लंबी वायर है, लगता है 20 फीट लंबी वायर है इसकी। ये है मैं हेलमेट में यूज़ कर रहा था जिससे मेरे हेलमेट का वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। फ्रेंड्स ये वाला माइक बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं अपने हेलमेट GoPro सेटअप पे। तो फाइनली मेरा मानो का माइक आ चुका है, ये माइक को मैंने कर दिया सेट अच्छे से और अच्छे से कल रात को मैंने सेट कर दिया। बस वॉइस क्वालिटी चेक करनी कि वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, तो वो चीज़ चेक करेंगे। अभी बाइक लेके निकलते हैं और चलिए चलते हैं। और हिबा बोर हो रही है, बोर हो रही है हिबा, कुछ बोलो। हुआ है ना कि मैं थोड़ा सा भी अटकता हूँ ना तो ये मेरे को मजाक उड़ाती है। तुम एक चीज़ एक बार में बोल के देखो तो मन जाएंगे, बोले हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। बिना अटके बोल देगी ना तो तुमको तो चॉकलेट खिलाएंगे, बिना अटके बोलना है। बाहर चलेंगे, पहले बोलो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो फ्रेंड्स बैक टू चैनल। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो फ्रेंड्स बैक टू चैनल। नहीं बोलने आ रहा है इसको, बोलने नहीं आ रहा, मेरा मजाक उड़ाने चली है। तो चलिए चलते हैं बाहर, इसको लेकर थोड़ा घुमाते हैं। इसको घूमने के लिए बोल रही है, बहुत बदमाशी, लड़ती रहती है मुझसे। ये मैं से नहीं जीत पाएगी, इसको थप्पड़ पड़ते रहता है, मैं से। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं बाहर और डैड मिलते हैं आपसे बाइक से, तब तक इसको बताते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसको मैं लेकर जा रहा हूँ मैं दुकान और अभी कुछ खिलाऊंगा इसको, लेते हैं कुछ खाने पीने का, उसके बाद चलते हैं घर। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं शूज़ पहन लिया हूँ और अपनी बाइक यहाँ पे, मस्त लग रही है। और सबसे मस्त चीज़ इसका मैं दिखाता हूँ ये, अब जब भी बाइक निकालूंगा तो इस पर नज़र पड़ना ही है मेरा। ये जो चीज़ है ना मेरे बाइक की लाइफ और वैल्यू बढ़ा दी है कसम से। तो देख सकते हैं बाइक में थोड़ी सी हवा कम है, तो हवा लेंगे बाइक में। तो चलिए अपना हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं निकल रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर से, अपने घर से फ्रेंड के घर तक आया और बाइक में एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो पहले जाके हवा डलवाएंगे बाइक में तभी बाइक जाकर प्रॉपर चलेगी। वरना पिछले टायर में हवा कम रही तो बाइक चल सकती है, लेकिन अगर अगले टायर में अगर हवा कम है तो बाइक को संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाइक ऑटोमेटिक दाएँ बाएँ हो रही है।
तो इसलिए पहले हवा डलवाएंगे बाइक में, उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं पेट्रोल पंप पे। हवा डल रही है, हवा बहुत ही ज़्यादा कम है पीछे भी और आगे भी, तो हवा डल जाएगी, उसके बाद निकलते हैं। अभी हम लोग हैं निकल पेट्रोल पंप पे। मेरे को रॉयल इनफील्ड शोरूम में भी बुलाया गया है आज, तो मैं सोचा दोनों काम एक साथ कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GSR का स्टिकर है, तो इसमें रैप करवाऊँगा ताकि ये चीज़ यहाँ से ना उठे। और जो सिग्नेचर है उनका जो लिखा हुआ है कीप लविंग और JS फिल्म, वो चाहता हूँ मेरा बाइक पर हमेशा रहे, तो इसलिए रैप करवाएँगे। और मेरा फ्रेंड साथ में तारीफ, तो उसको भी कुछ काम है तो साथ में ले लिया हूँ, तो मज़ा आएगा। तो चलिए देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये कुछ लिखा हुआ है, किसी का सिग्नेचर है ये। अच्छा, तो ये मिटना नहीं चाहिए, परमानेंट मार्कर्स है, लेकिन इस पर एक स्टिकर हम मारने के लिए बोल रहे हैं ताकि ये चीज़ दिखे और धोने वो छूटे ना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हो चुका है यहाँ, अब निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ राहल लेन में फायर ब्रिगेड के ठीक अपोजिट, और यहाँ पे खड़ी अपनी बाइक, और सामने देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रहा है। और चेकिंग कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, अपनी बाइक में यहाँ पे खड़ा किया हूँ और वो बंदा मेरे को बार बार देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बाइक निकालूंगा और मेरे को पकड़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा लग रहा है। तो देखते हैं, फ्रेंड इधर बुक ले रहे हैं, बुक ले करके आ जाएगा तो यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट जाना है मेरे को रॉयल इनफील्ड शोरूम। तो फ्रेंड्स अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन बहुत मस्त रिकॉर्ड हो जाता है अभी। तो मेरा फ्रेंड्स गया था बुक लेने के लिए, मैंने आपको बताया कि मैं फायर ब्रिगेड ठीक अपोजिट में हूँ और वहाँ पर भी चेक इन होती है, मैं आपको बताया भी वहाँ पर चेक इन चल रहा है। तो वो बंदा मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट देख लिया, अगर नंबर प्लेट नहीं है, और वो जानते क्या है, हाथ मार रहा है कि हाँ सिग्नल क्लियर हो गया, आप लोग आगे बढ़िए अब। तो फ्रेंड मैं जान रहा हूँ कि वो पकड़ने के चक्कर में मेरे को ही, क्योंकि देख लिया वो मेरे गाड़ी में आगे नंबर प्लेट नहीं है, और मैं गया उसके सामने, ठीक है, आगे जाकर राइट टर्न ले लिया, वो बंदा पीछे हट गया। हमको बहुत ज़्यादा हंसी छुटा किया, आज ये पकड़ने का फिराक में था लेकिन पकड़ नहीं पाया मेरे को। और अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड शोरूम, परविंदर सिंह जी जो जावा में थे अभी फ़िलहाल, अभी वो रॉयल इनफील्ड में है, तो वो बुलाए हैं मेरे को, आज फ़ोन आया था मेरे को राजदा का, और वो बताएंगे परविंदर सिंह जी आपको याद किए हैं। तो मैं बोला ठीक है आसाम में मैं चला जाऊँगा रॉयल इनफील्ड शोरूम जो चेरी डंगाल में है, तो चलिए चलते हैं। और अभी सनसेट होने को है, थोड़ा देर में सनसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि मेरे को डाउट है कि माइक का मैंने जहाँ पर प्लेस रखा है तो वहाँ पे वॉइस क्वालिटी आई होप अच्छी रिकॉर्ड होती होगी, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है माइक के ऊपर और माइक चेंज भी किया है, तो मेरे ख्याल से वॉइस क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। ये मैं एडिट करूँगा तब चेक करूँगा, अगर वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो मैं माइक का प्लेस जहाँ पर है उसको मैं चेंज करके देखूँगा, तब शायद जा करके आवाज़ अच्छी हो जाए, तो वो चीज़ तो एडिट करने के बाद ही समझ में आने वाला है। और फिलहाल अभी हम लोग हैं चेरी डंगाल में, तो ये आ चुका है रॉयल इनफील्ड और यहाँ पे हीरो स्प्रिंट स्टोर, तो यहीं पे लगाते अपनी बाइक। क्या सर भैया, क्या सर, ठीक है, राजदा का फ़ोन आया था, बोले कि याद किया आप मेरे को। अच्छा अच्छा आशीष भैया पहचान रहे हैं पक्का? आते भैया, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आया था रॉयल इनफील्ड शोरूम और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ करके। और एक बहुत ही मस्त बात बताऊँ तो यहाँ पे एक राइड प्लान हुआ है फ्रेंड्स, ये अभी सीक्रेट है, अभी मैं नहीं बताऊँगा कहाँ का राइड है कहाँ का नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए बहुत ही मज़ा आएगा, फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से। लेफ्ट दे दिए हैं, यहाँ पे रेड से ग्रीन होगा फटाक सा हो जाता है ये रेड वापस।
हम लोगों के पास भी बहुत उपाय, हम लोग घूम जाते हैं ऐसे। वहाँ पे फायर ब्रिगेड का थोड़ा सा आगे में गाड़ी है, तो हमारी गाड़ी घुमाने के लिए चाहिए जगह थोड़ी सी बड़ी, तो यहाँ से ठीक घूम जाएगी। तो ठंडी ठंडी शाम है, ठंडी ठंडी शाम में बाइक चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है, और अभी अच्छे खासे खा लिए हैं, पेट पूजा हो गई है तो अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, भैया के पास से लिए एक ग्लास ऐसा जो क्लियर वाइज़र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किधर गया मिरर, तो ये लिया हूँ मैं क्लियर वाइज़र। तो मैं भैया से बोला कि भैया ये कितना फ्लेक्सिबल मैं बैग में रखना चाहता हूँ, तो भैया एक पुराना वाइज़र मेरे को दिखाया, बोले इस पर चढ़ जाइए ये टूटेगा नहीं इतना फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते इसका, टूट जाएगा तो खतरनाक चीज, अब हमको टेंशन नहीं रखने है बैग में। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, आते हैं। तो फ्रेंड्स, लगा है 210 रुपया, लेकिन 210 रुपया वर्थ है ऐसे ग्लास के लिए जिसका बढ़िया से चेक करवा के दिए वो। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो हेलमेट का वाइज़र लिया मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस उसका जो मजबूती है वो भाई अच्छे से चेक करवा दिए कि आप चढ़ जाइए इस चीज़ के ऊपर कितना मजबूत है, आपको कितना फ्लेक्सिबल है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले बैग में रखने से भी डरता था इस चीज़ को, हेलमेट का जो ग्लास है, मैं सोचता था क्यों ना रखूँगा तो टूट जाएगा बैग में ही, तो इसलिए मैं नहीं रखता था। तो फ्रेंड्स, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। सिग्नल ग्रीन होने से पहले वीडियो एंड कर दिया।